हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 17.1। क्रिएट अ ट्रायंगुलर पैटर्न विद द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, ए 15 एंड बी 45। इसका आपको ट्रायंगुलर पैटर्न निकालना है। ट्रायंगल क्रिएट अ ट्रायंगुलर पैटर्न, आपका 15 का ट्रायंगुलर पैटर्न निकालना है आपको। तो ट्रायंगुलर पैटर्न निकालने के लिए डॉट डॉट आपको लगाने हैं, 1 2 3 4 5। सबसे नीचे रो में आपको 5 डॉट्स, देन 4 डॉट्स, देन 3, फिर 2 एंड 1। उसको बाद इसको ट्रायंगल वे में आपको उसको मैच कराना है ऐसे करके। अब आपको इसको करने के लिए एक हम यहाँ पर रफली भी बता दे रहे हैं आपको। फर्स्ट डॉट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और इसके मिडिल से आपको 4 डॉट अब लाने हैं, सबके मिडिल से, देन इसके मिडिल से, इसके मिडिल से 2 डॉट हो गए। सब एक 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 डिक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पर 5 आएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, 3, फिर 2, फिर 1। जब आपके ये 1 हो जाएंगे, जब तक आपके 1 नहीं होते, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे लाइन क्रिएट करनी है, तो ये आपका ट्रायंगुलर पैटर्न हो जाएगा आपका। ऐसे आपको यहाँ पर ये ट्रायंगुलर पैटर्न हो जाएगा। ये 15 का आपका ट्रायंगुलर पैटर्न है। आपको 15 का ट्रायंगुलर पैटर्न बनाना है, तो 15 ही डॉट होने चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम हो जाएंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर 15 का ट्रायंगुलर पैटर्न आपको बनाना है तो ओनली 15 डॉट्स आपको बनाने होंगे। पहले 5 4 3 2 1, फिर इसके ट्रायंगल को आपको मिला देना है। तो ये आपका 15 का ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया। इसको आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। देन अब आपको 45 का ट्रायंगुलर पैटर्न बनाना है, तो ये आपका 45 का ट्रायंगुलर पैटर्न बनाना है। सबसे नीचे लास्ट, सबसे नीचे रो में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स ड्रॉ करने हैं। देन आपको 8 करने हैं, फिर 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ऐसे यहाँ तक जब आपके 1 हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये किरा ट्रायंगल को आपको मैच करना है। अब आपको 45 ट्रायंगल पैटर्न में 45 डॉट बनाने हैं। 45 से आपका ये ट्रायंगुलर पैटर्न कंप्लीट होगा। ना तो इससे कम होगा और ना ही इससे ज़्यादा होगा, तब आपका ये ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा। सेम टू सेम इसी तरीके से आपको बनाना है, डॉट डॉट बनाकर क्लियर करना है। आपको नोटबुक में इसी तरीके से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द पैटर्न्स केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। आपको ये पैटर्न जो इसमें दिया हुआ है वो आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। देन आपको उसके आगे के 2 स्टेप्स और आपको यहाँ पर इंक्रीज करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आ नंबर, आ में 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 1 + 2 + 1। अब 2 × 2 करते हैं तो 4 आता है ना, तो 1 + 2 + 1 कर दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। देन आपको 3 × 3 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 9। तो 1 2 3 हो गया, 3 और 2 1 3, तो 3 + 3 + 3 9 हो गया। अब आपने जैसे 1 × 1 से किया 1 आया, 2 × 2 से किया तो 1 + 2, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग हो जाती है आपकी, +1। ऐसे 3 × 3 किया तो 1 2 3 3 से आगे नहीं बढ़ना है आपको, 3 के बाद फिर रिवर्स काउंटिंग करनी है। 3 के बाद आपने 2 1 कर दिया। ऐसे ही जब 4 × 4 किया आपने तो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर आप रिवर्स करेंगे, 3 2 1। ऐसे ही जब 5 × 5 किया आपने तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद आपने रिवर्स काउंटिंग की तो 4 3 2 1, ये आपका हो गया यहाँ तक। अब आपको नेक्स्ट 2 स्टेप्स और इसके करने हैं। तो अब 5 के बाद 6 करेंगे, 6 × 6, और 6 के बाद 7 7 × 7। नाउ सी 6 × 6, देखिए हमने आपको जो भी बताया था सेम टू सेम वैसे ही करना। तो आपको जब 1 से लेकर 6 तक की करना है, 1 2 3 4 5 6 तक किया, उसके बाद आपने उसको रिवर्स किया, 5 4 3 2 1, ये आपका रिवर्स हो गया। देन आपका 7 × 7 में तो आपको काउंटिंग +7 तक करना है, 1 2 3 4 5 6 7, देन आपको फिर रिवर्स करना है, 6 5 4 3 2 1। तो ये आपकी स्टेप्स टू, जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स आपकी बोली गई थी, ये 6 वाली और ये 7।
आपकी यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया ए नंबर। अब देन आपका, अब नेक्स्ट आपका देन क्वेश्चन नंबर फाइव का बी। फाइव के बी में आपको क्या करना है, इसकी भी आपको एक तरीके का ये पैटर्न है जिसको आपको सॉल्व करना है। अब जैसे इस पैटर्न में आपको टू मल्टीप्लाई टू, थ्री मल्टीप्लाई थ्री, फोर मल्टीप्लाई फोर, फाइव मल्टीप्लाई फाइव ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर टू मल्टीप्लाई टू दिया है तो इसके एक वन डिजिट आगे वाली यहाँ से मल्टीप्लाई किया है तो थ्री मल्टीप्लाई थ्री। जब आप इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका थ्री मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू नाइन होता है। टू मल्टीप्लाई टू किया तो आंसर क्या आया फोर, प्लस टू मल्टीप्लाई टू आंसर क्या आया फोर प्लस वन, तो फोर प्लस फोर प्लस वन इक्वल टू नाइन, तो इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू नाइन, यानी कि दोनों तरफ इक्वल हो गया नाइन यहाँ पर नाइन वन। तो ऐसी इक्वेशन आपको बनानी है यहाँ पे, ऐसा पैटर्न बनाना है कि जो भी हम यहाँ पर ये एडिशन करेंगे तो वो आंसर इस यहाँ पर सेम होगा। लेकिन ये याद रखिए यहाँ थ्री मल्टीप्लाई थ्री तो उसका आगे वाला आएगा, यहाँ पे फोर हो जाएगा, वन आगे बढ़ जाएगी डिजिट। और लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर सेकेंड आपके कॉलम में टू से ही मल्टीप्लिकेशन करना है, उसी उस डिजिट का टू से मल्टीप्लाई करना है और प्लस वन करना है सब में। तो सबसे पहले टू मल्टीप्लाई टू हमने किया सिंपली, प्लस टू मल्टीप्लाई टू, थ्री मल्टीप्लाई थ्री आ गया। देन आपको थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री, थ्री टू जा सिक्स और थ्री थ्री जा नाइन, सिक्स और नाइन फिफ्टीन और वन सिक्सटीन हो गया, तो फोर मल्टीप्लाई फोर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर फोर मल्टीप्लाई फोर पर जितना याद रखिए ये जो डिजिट है उसका जो आगे आंसर आ रहा है उसका वन डिजिट एक्स्ट्रा होगा। यहाँ अगर फोर है तो यहाँ फाइव हो जाएगा, यहाँ फाइव है तो यहाँ सिक्स हो जाएगा। अब ये लास्ट में यहाँ सिक्स है तो यहाँ सेवन हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर भी सिक्स है तो टू का मल्टीप्लाई सिक्स से करेंगे, यहाँ सेवन है तो टू का मल्टीप्लाई सेवन से करेंगे, यहाँ फाइव था तो टू का मल्टीप्लाई फाइव से किया और प्लस वन करते जाना है। ये सीरीज़ ऐसे ही आपकी कंप्लीट होती जाएगी। ये सेवन मल्टीप्लाई सेवन, अब यहाँ एट मल्टीप्लाई एट होता तो आपका यहाँ पर नाइन मल्टीप्लाई नाइन आ जाता, बस टू का मल्टीप्लाई यहाँ एट हो जाता प्लस वन, ये आपकी सीरीज़ ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो गया है और इसके इसको आप कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में, देन मुझे शो कराएंगे। थैंक यू।